जयपुर में आयोजित गोपालन विभाग की ओर से गौरक्षा सम्मेलन में पहने गए दुपट्टे को लेकर काफी चर्चा हुई, क्योंकि इस दुपट्टे पर कांग्रेस का पुराना चुनाव चिन्ह गाय और बकराज छपा हुआ था। जब इस मामले को लेकर गोपालन विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भैया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए रवि। बुजुर्ग जो गोपाल है उनको कांग्रेस के पुराने चुनाव चिन्ह के लिए आया है। देखो हिसार साहब की मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि इस सम्मेलन से राजनीति का कोई वास्ता नहीं है। इसमें जो गौशालाओं से जुड़े हुए चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग भी समय आए हैं और हमने उनको भी सबको आमंत्रित किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये एक जो एक बहुत ही चिंतन का विषय है सरकार के लिए नहीं, आम नागरिक के लिए, क्योंकि गौ माता में हमारे सभी देव देवताओं का वास बताया गया। आज गौ माता नाली का पानी पी रही है, गंदगी खाने को मजबूर हो रही है। ये सब जो हालात हैं उन हालातों से कैसे निपटा जाए, इनका कैसे सुरक्षित संवर्धन हो सके, इसके लिए आयोजित किया गया। गायों की मौत का मामला सामने आया चारे को लेकर, उसमें इमोनिया वाला जो बात आपने कही, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें हजारों गोंस वहां पे मरा और उस जो संस्था भी जो जिसको काम दिया गया है उसको विभाग के द्वारा बिल्कुल समय पे अनुदान दे दिया था और उसको और भी जो संसाधन की जो आवश्यकता है तो उसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर रहेगी।